हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माइग्नो सॉल्यूशंस में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ BLI 226 का पुस्तकालय एव सूचना केंद्र प्रबंध। ये सेशन आपका 24-25 रहेगा। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने सॉल्व PDF की ओर। हम देखेंगे कि किस तरीके से असाइनमेंट हमारा सॉल्व हो रखा है और असाइनमेंट करते वक्त कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आपका असाइनमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्ड लिमिट्स दे रखिए। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर लगा होता है, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन पेपर नहीं लगा होता, लेकिन आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अब जब भी आप अपना असाइनमेंट कर रहे हैं तो आप गूगल पे जाके MA असाइनमेंट सर्च करें और उसमें अपना जो भी क्वेश्चन पेपर है वो निकाल के आप उसमें क्वेश्चन मैच करके फिर अपना असाइनमेंट लिखने बैठें। साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि कितनी वर्ड्स लिमिट्स उसमें दे रखी है। अगर उसमें जितने भी वर्ड लिमिट दे रखी है उससे 20-30 आप ऊपर लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हैं उसमें टोटल कितने वर्ड्स दे रखे हैं और पॉइंट में आंसर लिखेंगे। आप पैरा में जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप आंसर लिखना अवॉइड करेंगे। इसी के साथ आपका ये सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। असाइनमेंट लिखते वक्त आप ध्यान रखेंगे केवल आप उसमें दो ही पेन का यूज़ करें, जो कि आपका ब्लू पेन रहे और जो कि आपका एक ब्लैक पेन रहे। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको हमारा सॉल्व PDF का PDF चाहिए और साथ साथ इसका अगर हैंड रिटन असाइनमेंट बनाना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा 9355261428। इसी के साथ आप हमारी दी गई वेबसाइट वहाँ पे जाके भी अपना असाइनमेंट जो है परचेज़ कर सकते हैं, जो कि रहेगी shop.sandwich.in पर। यहाँ पे आप कैटेगरी भी देख सकते हैं, काफ़ी सारी कैटेगरीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ साथ यहाँ पे आप अपना कोड डालेंगे और आप अपना असाइनमेंट परचेज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा ऑल इंडिया कहीं पर भी डिलीवर हमारा असाइनमेंट होता है। साथ साथ हम वर्ड लिमिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और हैंड रिटन का भी। इसी के साथ हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो भी आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रहेगी, जो भी आपका असाइनमेंट कभी भी लास्ट डेट रहेगी, आप उससे पहले ही अपना असाइनमेंट ख़त्म करें, ताकि जिस भी तरीके की गलती अगर आपको असाइनमेंट में लगती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई देती है, राइटिंग का इश्यू लगता है, तो आप उसको करेक्ट कर सकें, आप उसको सही से लिख सकें, वो सब आप कर सकें, उसके लिए आपके पास थोड़ा टाइम बचे। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी और वीडियो को देखने के लिए। आपका असाइनमेंट जब कंप्लीट होगा आप उसके ऊपर आपका जो इग्नू की फर्स्ट शीट होती है उसकी डिटेल अच्छे से फिल करके फिर आप अपना असाइनमेंट सबमिट कराएंगे। और अगर आपको अपने असाइनमेंट में किसी भी तरीके का डाउट महसूस होता है या फिर आपको किसी भी तरीके का डाउट क्लियर करना है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट भी लिख सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप देख सकते हैं वीडियो ख़त्म होती है। मैं होप करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। किसी भी तरीके का आपको डाउट लगेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट वीडियो आपको कोई भी चाहिए हो आप उसके लिए भी हमें ज़रूर बताएं। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मैं दीपाली मिलती हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।